तो हमने iPhone 15 के लिए नया केस एंड टेम्पर ग्लास ऑर्डर कर लिया है। कुछ दिनों पहले मैंने ऑर्डर प्लेस किया था Amazon से, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो चुका है। तो चलिए फटाफट पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और लिंक्स अगर आप इंटरेस्टेड हो प्रोडक्ट्स के तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो ये हमारा टेम्पर ग्लास है पोपियो का, इतना ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड का नहीं लिया मैंने, मैंने थोड़ा सा सोचा बजट में लेता हूँ क्योंकि इसके रेटिंग्स रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, अगर इतना अच्छा क्वालिटी नहीं हुआ तो बाद में हम चेक कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। और केस के साथ मैंने कोई चांस नहीं लिया, मैं स्पाइजन के केस के साथ जा रहा हूँ। दो केसेस इस टाइप में आते हैं, एक तो पूरा जो TPU टाइप होता है, बट ये थोड़ा हार्ड बैक है और इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। पहले भी मैं स्पाइजन के केसेस यूज़ कर चुका हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में रहता है ये, जैसे 1500 का केस है, थोड़ा सुनने में ज़्यादा लगता है, बट अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो 60-70-80,000 का, तो फिर आपको थोड़ा सा जो इन्वेस्ट जो है वो करना पड़ता है, वरना एक तो उनके रिपेयर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आप स्पाइजन में अगर नहीं भी जाते हो तो भी अदर ब्रांड्स जो है जो थोड़े अच्छे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनके साथ ही जाओ। अब इसकी क्वालिटी आप हाथ में पकड़ते पता चल जाती है कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, मेड इन कोरिया है, तो थोड़ी क्वालिटी जो है वो वहाँ से भी बढ़ जाती है, उनके प्रोडक्ट जो अच्छे होते हैं। बात करें ग्लास के बारे में, तो ग्लास जो है मुझे फर्स्ट लुक में ठीक ठाक ही लगा, ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत थी, और इसकी पैकेजिंग बहुत सिंपल थी, कार्डबोर्ड का पैकेज था, उसके अंदर ही हमारा प्रोडक्ट था, बट प्रोडक्ट के अंदर सारी चीज़ें आई थे, जैसे वाइप्स वगैरह, वेट वाइप्स हो गए, ड्राई वाइप्स हो गए, सारे उन्होंने प्रोवाइड करे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्पर ग्लास दे के छोड़ दिया था। ऐसे टेम्पर ग्लास आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं, बट उनकी हार्डनेस जो है वो चेक कर लेनी चाहिए, जैसे इसकी 9H ग्लास शील्ड जो है इसकी हार्डनेस है, आईफोन 15 के लिए कंपेटिबल है, तो इसको हम लगाएंगे। बट उससे पहले अगर हम देख ले तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे और आई है वो स्टिकर्स आई हैं, एंड यहाँ पे एक 3 मंथ की वारंटी आती है, बट मुझे नहीं पता कि ये वारंटी किस चीज़ की, मतलब अगर आपका टेम्पर ग्लास हाथ से गिरा तो वो तो टूट ही जाएगा ना, या फिर उसमें क्रैक्स या फिर स्क्रैच तो पड़ेंगे, बट कोई नहीं, चलिए फटाफट इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक क्लॉथ ले लिया टेबल के साइड पे, क्योंकि आपको पता ही है कैमरा जो होते हैं उसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए, भाई इतना महंगा फ़ोन है तो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो सबसे पहले जो नंबर 1 लिखा है उससे आप पहले तो डस्ट जो है वो रिमूव कर लो, जैसे मैंने कपड़े से कर लिया, उसके बाद ये वेट वाइप से आप थोड़ा सा इसको स्वाइप करके जो एडिशनल, जैसे उसके ऊपर अगर कोई ऑयल का लेयर लग गया है, आपके हाथ से कोई ऑयल लग गया या फिर और कोई स्मज वगैरह है, तो उसको आप रिमूव कर लो। देन एक और वहाँ पे क्लॉथ प्रोवाइडेड है, एक और ऐसा पतला कपड़े का टुकड़ा प्रोवाइडेड है जो कि ड्राई है, वो ड्राई करने के लिए, तो उसके बाद आप उसको यूज़ करके अपना स्क्रीन जो है वो अच्छे से ड्राई कर लेना। एंड ड्राई करना ही इनफ नहीं है, उसके साथ कुछ स्टिकर्स भी आए हैं, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे साइड पे रखा हुआ है मेरे स्टिकर्स, उन स्टिकर्स से फिर आप एडिशनल अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स स्क्रीन पर लगे हुए हैं तो उनको भी रिमूव कर लेना। एक्चुअली होता क्या है ना, बहुत टाइम पे एक आधा पार्टिकल रह जाता है, फिर जैसे आप अप्लाई करते हो अपने स्क्रीन प्रोटेक्टर को तो उसके बीच में एक छोटा सा बबल जैसा बन जाता है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। बबल तो अलग चीज़ है, बबल अगर ऐसे बन गया तो वो तो चला जाता है, जैसे फ़ोन आपका थोड़ा हीट होता है बबल चला जाता है, बट अगर कोई पार्टिकल रह गया तो वहाँ पे एक अजीब सा मतलब स्पॉट बन जाता है जो फिर बाद में जाएगा नहीं और बहुत बुरा लगता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो आप हटा दो, और अगर वो पार्टिकल बीच में रह जाएगा, अगर आप स्क्रीन गार्ड यूज़ करते रहोगे ना तो वो आपके स्क्रीन में स्क्रैच डाल देगा, परमानेंट डैमेज कर देगा, तो उसका कोई इलाज है नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा यूज़ कर लिया ऐसे, ताकि कोई भी धूल या फिर कुछ भी चीज़ का पार्टिकल वहाँ पे रहना जाए, एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने स्क्रीन प्रोटेक्टर को। अब स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करना बहुत सिंपल है, पहले आप उसके बॉटम साइड में जो एक फिल्म है उसको आपको पील कर लेना है, एंड देन अलाइन करके आपको उसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स भी भेजे थे उन्होंने, बट मैं काफ़ी यूज़ करता रहता हूँ स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, मैं चेंज करता रहता हूँ, घर के भी लोगों के सारे चेंज मैं करता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे स्टिकर्स उन्होंने दे रखे थे, बट मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने डायरेक्टली डाल दिया, यहाँ पे अलाइन किया और मिला दिया। तो जैसे मैंने बताया कि मैं इसीलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं अक्सर चेंज करता रहता हूँ, अपने दोस्त लोगों के भी फ़ोन के चेंज करता हूँ, और घर को जितने फ़ोन से उनका भी मैं चेंज करता रहता हूँ, जब भी कोई स्क्रैच या फिर अगर टूट वूट जाता है तो मोटा मोटा आपको अंदाज़ा हो जाता है, तो आपको इतनी टेंशन वाली। फाइनली लग के रेडी हो गया हमारा प्रोटेक्टर, एक बबल बन गया था बीच में और नीचे के साइड भी एक बड़ा बबल बन गया था, जो मैंने प्रेस करके उसका थोड़ा सा एयर जो है वो रिमूव करने की कोशिश करी। बट ऐसे जो बबल्स बनते हैं उनका कोई टेंशन नहीं है, वो आपका एक दो दिन में जितना आप फ़ोन को यूज़ करोगे, हीटअप होगा आपका फ़ोन, वो सारे बबल्स रिमूव हो जाते हैं, जो मेरा भी हो गया था, मतलब ये जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब तक सारे बबल्स रिमूव हो गए थे। बट यही है कि जो छोटे मोटे ऐसे बबल्स बनते हैं वो आपके सारे रिमूव हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, एक से दो दिन मैक्स आपके ये बबल्स रहेंगे। अब हमारा स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है उसके दोनों तरफ एक फिल्म लगा हुआ आता है, तो इस फिल्म को हमें यहाँ से पील करके उठा लेना है। मैं थोड़ा ज़्यादा खींचने की कोशिश में गया था तो उसका जो बैक प्लास्टिक है वो फट गया था, बट कोई बात नहीं, इसको हम रिमूव कर लेंगे।
बैक साइड पे एक और फिल्म है जिसको भी आपको रिमूव कर लेना है, और उसके बाद आपका केस जो है वो रेडी है यूज़ के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, इसका जो कलर है वो मैच आपको मिल जाएगा आपके फ़ोन के कलर के हिसाब से। जैसे मेरा ब्लैक है तो मैंने ब्लैक लिया, अगर आप चाहो तो ब्लू, ग्रीन, जो और भी कलर है पिंक वगैरह, वो भी कलर ऑप्शन में है, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हो। तो ये लगाने के बाद फ़ोन जो है वो थोड़ा सा हेवी फील हो रहा था, बट ओवरऑल जो है मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था, अच्छे से प्रोटेक्टेड लग रहा था।